हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं UPDLET फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट कंप्यूटर, ठीक है। और जो आप सभी को बता दूं कि इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो रात के 10 बजे होती है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर, ठीक है। और बहुत ही बेसिक से आज के प्रश्न हैं, आप इसका आंसर बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। आप सभी को जो टाइमिंग दी जाएगी वो 5 सेकंड की टाइमिंग दी जाएगी, उसमें आप सभी को आंसर करना होगा और आप खुद ही देखेंगे कि जो आपकी प्रिपरेशन है क्या बेस्ट है या और करने की ज़रूरत है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला आपका प्रश्न है कि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आई थिंक और बहुत ही इजी है। तो सबसे पहला आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? विल गेट्स को, चार्ल्स वेबर्स को, विल्स पास्कल्स को या फिर जोसेफ जैकोट को? क्या लग रहा है आपको, जल्दी से बताइए इसका आंसर कि कंप्यूटर का जनक कौन है। बहुत बढ़िया, इसका आंसर सभी का सही है, सभी का सही है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 5 सेकंड पूरा होता है और यहाँ पर आपका हो जाएगा चार्ल्स वेबर, यानी कंप्यूटर का जनक है चार्ल्स वेबर या फिर फादर भी हैं। अगला आपका प्रश्न है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको जल्दी से बताइए कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। ऑप्शन ए सिद्धार्थ, ऑप्शन बी परम, ऑप्शन सी मेघा, ऑप्शन डी साइबर। क्या होगा यहाँ पर कि भारत में प्रथम निर्मित कंप्यूटर कौन सा है? आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए क्या ये सही होगा या बी सही होगा, क्या सी सही होगा या फिर डी सही होगा। कौन सा सही होगा कि भारत में प्रथम निर्मित कंप्यूटर है? क्या सिद्धार्थ या परम या मेघा या फिर साइबर, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल सही, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका सिद्धार्थ सही हो जाएगा ए, ठीक। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है वो है सिद्धार्थ, यानी ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है? ऑप्शन ए बेसिक भाषा, ऑप्शन बी कोबोल भाषा, ऑप्शन सी मशीनी भाषा, ऑप्शन डी प्रोटोन भाषा। कौन सा यहाँ पर सही आंसर होगा, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है, क्या बेसिक भाषा पे या कोबोल भाषा पे, मशीनी भाषा पे या फिर फोरट्रॉन भाषा पे? क्या लग रहा है आपको, कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी? 3 का आंसर जल्दी दीजिए। बिल्कुल सही, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मशीनी भाषा, ठीक। अगला आपका प्रश्न है कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में, ऑप्शन बी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बर्नपुर में, ऑप्शन सी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में, ऑप्शन डी भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। क्या लग रहा है आपका कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही आंसर है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में सबसे पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था। कहाँ? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी हो जाएगा और जिसका सी आंसर है बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है क्वेश्चन 5 की डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। ऑप्शन ए डाटा संग्रहण, ऑप्शन बी डाटा को सजाना, ऑप्शन सी डाटा को उपयोगी बनाना, ऑप्शन डी उपयोगी। क्या लग रहा है आपको कि डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होगा, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, बताइए फ्रेंड्स क्या होगा यहाँ पे। तो देखिए इसका जो अर्थ हो जाएगा, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वो होता है डाटा को उपयोगी बनाना, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 कि सबसे तेज कंप्यूटर है। ऑप्शन ए मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन बी माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन सी मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर। क्या लग रहा है आपको सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, क्या ये मिनी कंप्यूटर या फिर बी माइक्रो कंप्यूटर या फिर सी मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर डी सुपर कंप्यूटर, कौन सा सही होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, सुपर कंप्यूटर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि
भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? ठीक है, क्या माइक्रो कंप्यूटर है? जो परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, क्या माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेनफ्रेम कंप्यूटर है या फिर सुपर कंप्यूटर है? क्या लग रहा है आपको? आपके पास चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा कि भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, क्या माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेनफ्रेम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है? बिल्कुल सही फ्रेंड्स, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, जो परम कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर की तरह है। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि IMSC एक प्रकार का है, क्या मशीन है या फिर प्रोसेसर है या फिर प्रोग्राम है या फिर रजिस्टर है? क्या होगा यहाँ पे? आपके ऑप्शन है चार, जल्दी से बताइए IMSC क्या है, बताइए फ्रेंड्स जल्दी से क्या होगा यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर एट का आंसर क्या होगा? IMSC एक प्रकार का क्या है, क्या प्रोसेसर है, मशीन है, प्रोग्राम है या रजिस्टर है? जल्दी बताइए फ्रेंड्स। जिसने क्वेश्चन नंबर एट का आंसर ए बताया है बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि WW के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन ए ली एस फियोंग, ऑप्शन बी विल गेट्स, ऑप्शन सी वॉटसन, ऑप्शन डी टिम बर्नर ली। क्या होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन? ठीक है, WW के आविष्कारक कौन है? चार आपके ऑप्शन है, जल्दी से गाइस बताइए। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, WW के आविष्कारक है वो है टिम बर्नर ली। अगला आपका प्रश्न वही है कि कंप्यूटर के जनक एवं पिता किसे कहा जाता है? तो बहुत ही सिंपल है, आप इसका आसानी से आंसर कर सकते हो, अभी हमने डिस्कस किया वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, चार्ल्स वेवर्स। ठीक है, अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? ऑप्शन ए ड्यूल कोर, ऑप्शन बी i7, ऑप्शन सी सेलेरॉन, ऑप्शन डी एंड्रॉयड। यानी निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है, क्या यहाँ पे होगा जल्दी से बताइए। बहुत ही इजी प्रश्न है, आप इसको आसानी के साथ बता सकते हो। ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि प्रोसेसर यानी उससे संबंधित नहीं है, कौन सा होगा? क्या ड्यूल कोर हो जाएगा, i7 हो जाएगा, सेलेरॉन हो जाएगा या फिर एंड्रॉयड हो जाएगा, जल्दी बताइए। जिसने क्वेश्चन नंबर 11 का डी आंसर किया है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, कि जो आपका कंप्यूटर के प्रोसेसर संबंधित है वो है ड्यूल कोर i7 सेलेरॉन, लेकिन जो आपका ये एंड्रॉयड है ये इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में, ऑप्शन बी प्रधान डॉक घर नई दिल्ली, ऑप्शन सी प्रधान डाक घर बेंगलुरु, ऑप्शन डी भारतीय संख्यांकी संस्थान कोलकाता। क्या होगा यहाँ पर? अभी हमने ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया, तो बहुत ही आसानी के साथ इसका आंसर कर सकते हो, वो हो जाएगा प्रधान डाकघर बेंगलुरु। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, ऑप्शन बी कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, ऑप्शन सी कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना, ऑप्शन डी कंप्यूटर की कार्य प्रणाली जानना। क्या होगा यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो सकता है? कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या होगा जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। इन चारों में से आपके सामने ऑप्शन शो हो रहे हैं, जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है वो है कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना, यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है इनपुट को, नंबर को, डाटा को या फिर प्रोसेसर को, कौन सा सही हो जाएगा जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा, पूछ रहा है कि कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो जिनका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सी है वो बहुत ही बिल्कुल सही है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा डाटा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ठीक, अगला आपका प्रश्न है कि एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए जी एकल, ऑप्शन बी एवा लॉलेश, ऑप्शन सी चार्ल्स वेवर्स,
ऑफसेंडी शीमेन कोर्सकोप क्या होगा, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। क्या ये होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। आप सभी का जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छा है, ठीक है। ऐसे लग रहा है कि आप कंप्यूटर में 25 में 25 नंबर जरूर लाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए, एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया है? तो जिसने बोला है क्वेश्चन नंबर 15 का सी, बिल्कुल सही है, चार्ल्स वेवर्स, ठीक। तो यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए चार्ल्स वेवर्स का, ऑप्शन बी जोसेफ जेकोड का, ऑप्शन सी ब्लेज पास्कल का, ऑप्शन डी वान न्यूमन का। तो देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो कंप्यूटर का जनक जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? चार्ल्स वेवर्स को। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, जिसने बोला है क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर डी, बिल्कुल सही है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो वॉन न्यूमन का है। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो फिर चार्ल्स वेवर्स लगा देंगे कंप्यूटर का जनक, तो यही है चार्ल्स वेवर्स, तो फिर आप इसी पर टिक करोगे बिल्कुल, लेकिन वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो वॉन न्यूमन का, यानी यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला 17 नंबर आपका प्रश्न है कि चुंबकीय डिस्क किस पदार्थ की परत होती है? ऑप्शन ए आयरन ऑक्साइड का, ऑप्शन बी सोडियम पैरो ऑक्साइड का, ऑप्शन सी मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा यहाँ पे सही आंसर, जल्दी से बताइए कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, जल्दी बताइए फ्रेंड्स। क्या आयरन का होगा, सोडियम का होगा, मैग्नीशियम का होगा, कौन सा होगा? आपको कौन सा लग रहा है इन चारों में से, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल सही, जिसने नंबर क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताया है ए, वो बिल्कुल सही है, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या होती है, पिक्सल की संख्या स्क्रीन डैश के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन ए रेजोल्यूशन, ऑप्शन बी कलर डेप्थ, ऑप्शन सी रिफ्रेश रेट, ऑप्शन डी व्यूइंग साइज। क्या होगा यहाँ पर आपका राइट आंसर, कि स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन डैश के नाम से जाना जाता है, क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, जिसने रेजोल्यूशन बोला है, रेजोल्यूशन, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है 19 नंबर के, निम्न में से कौन कौन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? जावा, फॉक्स प्रो, पर्ल, ऑरकल। क्या होगा यहाँ पर, आपसे भी जल्दी से बताइए कि कौन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? क्या जावा नहीं है, फॉक्स प्रो नहीं है, पर्ल नहीं है, या फिर ऑरकल नहीं है? क्या होगा इन चारों में, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कि कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो देखिए जावा भी है, फॉक्स प्रो भी है, पर्ल भी है, लेकिन जो आपका ऑरकल है ये नहीं है। तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और जिसने क्वेश्चन नंबर 19 का डी बोला है, बिल्कुल सही है। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? क्या क्रोम नहीं है, फायरफॉक्स नहीं है, या फिर सफारी या गूगल प्लस? क्या लग रहा है आप सभी को कि इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है, कौन सा? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गूगल प्लस, ठीक है। यहाँ पर आपका गूगल प्लस सही हो जाएगा, ठीक है। आपका ये जो तीनों है, क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, ये क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर है, और नहीं है तो आपका गूगल प्लस नहीं है। अब देखिए अगला है कि वेबसाइट नाम में HTTP क्या है? होस्ट है, वेबसाइट का नाम है, प्रोटोकॉल है, या टॉप लेवल डोमेन है? क्या हुआ यहाँ पर आपका, कौन सा ऑप्शन सही होगा? वेबसाइट नाम में HTTP क्या है? होस्ट है, वेबसाइट का नाम है, प्रोटोकॉल है, या टॉप लेवल डोमेन है? यहाँ पर आपका राइट आंसर जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी प्रोटोकॉल, ठीक है। जो आपका HTTP संबंधित है वो प्रोटोकॉल से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए अगला आपका 22 प्रश्न है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए मापन, ऑप्शन बी गणना, ऑप्शन सी विद्युत, ऑप्शन डी लॉजिकल। क्या होगा यहाँ पर आपका राइट आंसर, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स,
कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, क्या मापन पर कार्य करता है, या फिर गणना पर करता है, या फिर विद्युत पर करता है, या फिर लॉजिकल पर करता है, कौन सा सही होगा जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल सही, जिसने क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बी बताया, बिल्कुल सही है गणना। ठीक है, यहाँ पर आपका बी कि डिजिटल कंप्यूटर गणना सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला आपका प्रश्न है कि भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है T3A, NH3, परम 10,000, J8। क्या लग रहा है आपको, कौन सा सही होगा कि भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है, कौन सा होगा यहाँ पे आपका, तो परम 10,000। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, ऑप्शन ए ENIAC, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी परम, ऑप्शन डी डीप। क्या यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, कौन सा सही होगा जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, क्या ENIAC होगा, सिद्धार्थ होगा, परम होगा, या डीप होगा, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, जिसने 24 का आंसर ई दिया है कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, वो है ENIAC। ठीक है, अब देखिए अगला आपका प्रश्न कि कंप्यूटर है, ऑप्शन ए आंकड़ों को भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, ऑप्शन बी आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, ऑप्शन सी पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। अब देखिए तीन है, उसके बाद आपको बताना है कि क्या एक और दो सही है, या दो या तीन सही है, या फिर एक और तीन, या फिर तीनों ही सही है। क्या लग रहा है आपको, क्या एक और दो, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सही, आपका यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तीनों ही सही है। ठीक है, यानी आपका जो कंप्यूटर है वो आंकड़ों के भंडारण वाली एक युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करती है, ठीक है, और उसमें प्राइवेसी भी होता है। ठीक, अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, इनपुटिंग, आउटपुटिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग। तो बहुत ही ईजी है, आप इसका आंसर बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। ठीक है, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पे कौन सा आंसर होगा कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, जल्दी से बताइए। तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अंडरस्टैंडिंग जो होता है वो कंप्यूटर नहीं करता है, उसमें समझने की क्षमता नहीं होता है, जो यूज़र निर्देश देगा, इंस्ट्रक्शन देगा, उसी का वो प्रोसेसर करेगा और डाटा उसी को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करेगा। क्लियर, अगला आपका प्रश्न है कि चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है अंकों का, ठीक है, अक्षरों का, चिन्हों का, क्या लग रहा है उपयोग सभी भी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर आपका जो जिसने क्वेश्चन नंबर 27 का डी आंसर बताया, बिल्कुल सही है। ठीक है, चिन्हात्मक डाटा का में प्रयोग किया जाता है अंकों का, अक्षरों का, चिन्हों का, डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है कि माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, प्रथम पीढ़ी का, द्वितीय पीढ़ी का, तृतीय पीढ़ी का, चतुर्थ पीढ़ी का, क्या लग रहा है आपको माइक्रो कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, बताइए फ्रेंड्स, जो माइक्रो प्रोसेसर है वो किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, आपके पास चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी का। ठीक है, और 29 आपका प्रश्न है कि गणना संयंत्र एबाक्स, ठीक है, या अबेकस, यहाँ होगा अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था, भारत में हुआ था, अमेरिका में हुआ था, चीन में हुआ था, या फिर यूनान में हुआ था, जल्दी से बताइए इसका आंसर कि अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था, बताइए फ्रेंड्स, क्या भारत में हुआ था अबेकस का निर्माण, या अमेरिका में, या चीन में, या यूनान में। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, जो अबेकस का निर्माण हुआ था वो चीन में ही हुआ था। ठीक है, और लास्ट आज का प्रश्न है कि FTP का पूरा नाम क्या है, ये आप सभी के लिए प्रश्न है, इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा जल्दी से। ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फोल्डर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फोल्डर ट्रांजेक्शन प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांजेक्शन प्रोटोकॉल, क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। तो आज के लिए गाइज इतना ही, आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, और ये जो आज का मॉक टेस्ट था बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, आप सभी को पता लगा होगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, और आप डेली रिवीजन करते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।